तेरा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज है 13 अप्रैल और आज है यहाँ पे जो आप लोगों ने तैयारी देख रहे होंगे, ये तैयारी हो रही है शिवांश के मुंडन की। कल है शिवांश का मुंडन और 3 साल का हो गया, तो 3 साल में हमारे यहाँ मुंडन करवाते हैं बच्चे का। तो अभी हमारे कुछ रिलेटिव आ गए हैं, तो पूरा जो भी प्रोसेस होगा मैं पूरी वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी कैसे कैसे हमारे यहाँ के रीति रिवाज हैं। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ मेरी वीडियो में। आप भी बोलो कुछ। तो यहाँ पे पूजा की तैयारियाँ चल रही है, अभी शाम का टाइम हो रहा है 6:30। और ये हैं एक तरफ से पंडित जी और एक तरफ से शिवांश के नानू। बोलो कुछ आप भी। हरिओम। अभी पूजा अभी करेंगे हम, अभी तो तैयारियाँ चल रही है और तैयारियों में जो है सामग्री इधर उधर से लानी पड़ती है और फिर उसको जो है यथास्थान जो है रखना पड़ता। वो कहाँ रखा सामान? तो यहाँ पे शिवांश की मामा भी तैयार हो गई है साड़ी पहन के, और ये दादी भी तैयार हो गई है। चलिए चलिए, ये बच्चे बच्चे भी आ गए हैं। शिवांश आज बड़ा खुश है बच्चों के साथ। Thank you.
हरि ओम इदं विष्णु विचक्रमेत्रेदानि ददेपदम शमूढमस्य पागुं सुरेश्वाहा विष्णवे नमो नमः विष्णवे नमो नमः रख देना सुबह खाते है ना उसे बनाता हूँ हमेशा कॉर्नर तो अच्छा होता है The next day. गुड मॉर्निंग दोस्तों तो जैसे कि आप लोगों ने कल देखा शिवांश का मुंडन है घर में और आज है 14 अप्रैल और आज है शिवांश का मुंडन और हमारे यहाँ ये 13 और 14 की जो डेट होती है यानी कि आपको पता है वैशाख का महीना लग जाता है बहुत ही अच्छा दिन होता है ये तो आज उसका मुंडन है कल घर पे सत्यनारायण की कथा थी शाम को तो ये मुंडन है अभी सुबह के 7 नहीं बजी है 7 बजने वाली है और हम सभी लोग रेडी हो चुके हैं क्योंकि पूजा थोड़ा जल्दी होगी मुहूर्त के हिसाब से तो 8 बजे हमें पूजा में जाना है तो लगभग 8 से 10 बजे तक पूजा होगी तो इसलिए हम फटाफट से तैयार हो रहे हैं अभी हमने पूरियां पकौड़ियां भी बनानी है जो कि नहीं बनी है तो मैंने कहा पहले साड़ी वाड़ी पहन लेती हूँ फिर पूरियां पकौड़ियां वगैरह बनाऊंगी तो जो जो भी होगा आज का दिन आप लोग को दिखाऊंगी मे भी मैं बहुत कम ही इसमें वॉइस ओवर कर पाऊंगी क्योंकि मे भी मैं इसमें वॉइस ही ओवर करूंगी इस वीडियो में क्योंकि टाइम नहीं है मुझे खुद ही बोलने का तो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में और अभी मैं अपने हेयर रिंग डाली हूँ गोल्ड के तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही इनको पहनने में तो चलो दोस्तों जैसा होगा आप लोग को जरूर मैं ब्लॉग में दिखाऊंगी आगे हो गया बंद कर दो तो दोस्तों अभी मैं आई हूँ बाहर पे मैं आपको दिखा रही हूँ बाहर पे किस तरीके का डेकोरेशन हो रखा है तो ये देखिए यहाँ पे हमने खुद ही डेकोरेशन किया था यहाँ पे शिवान का मंगल स्नान होगा लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हमारी जो है वो नीचे गिर चुकी हैं रात में लगा लिया था हमने तो ये डेकोरेशन हमने किया है यहाँ पे और इधर लगा है टेंट यहाँ पे टेंट लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पे होगा दिन में फंक्शन यानी कि लंच है पूरी गली वालों के तो यहाँ पे लगाया टेंट तो चलो भी थोड़ी देर में होने वाला है शिवांश का मंगल स्टार्ट तब तक हम लोग चलते हैं अंदर मंगल स्नान है रुको हाँ तो ये हो चुकी है शिवांश के मंगल स्नान के लिए तैयारियाँ तो हमारे यहाँ ये कुछ चीज़ें रखते हैं जिन चीज़ों को रखने के बाद बच्चे को बाना दिया जाता है तो ये हल्दी तेल घी तो यहाँ पे अब शिवांश के जो बाल हैं वो कटिंग होंगे तो गहना नहीं देना तो ये है थोड़ा और
सो गाइस हो चुका है शिवांश का मुंडन। यहाँ पे हमने जो किया था सब कुछ हो चुका है और अभी लंच लग रहा है। यहाँ पे गली वाले आएंगे तो लंच की तैयारी चल रही है। ज़्यादा बड़ा टेंट नहीं लगाया हमने, बिल्कुल छोटा ही टेंट लगाया है क्योंकि गली वालों को इनविटेशन किया। कुछ रिलेटिव हमारे आए हैं, जैसे कि आपको पता है हम उत्तराखंड के हैं तो काफ़ी सारे रिलेटिव हमारे उसी साइड के हैं, तो वो जो नहीं आए अभी तो इस वजह से गली वालों आस पड़ोस वालों के लिए हमने सोचा घर पर टेंट लगा रहे। और गर्मी दोस्तों बहुत खतरनाक हो रही है, तो चलो थोड़ी देर में स्टार्ट होता है हमारा प्रोग्राम, फिर खाने पीने पर
सभी लोग खाना पीना खाएंगे अपना। हेलो, क्या हाँ क्या बोलती, फोन आया था तेरा? तो दोस्तों खाना पीना हम लोगों का हो चुका है, यानी कि हमारा लंच हो चुका है, जो कि आप लोगों ने देख लिया। ज्यादा मैंने शूट नहीं किया क्योंकि काफी सारे लोग थे और गर्मी बहुत तेज थी, इसलिए शूट नहीं कर पाई। और शिवांश का जो भी मुंडन सेरेमनी था स्टार्टिंग से एंड तक का, वो आप लोगों ने देख लिया होगा। वीडियो में भी मैं दो पार्ट में डालूंगी इनको, शायद से दो ही पार्ट में आएगा। तो बस यही था शिवांश के मुंडन की वीडियो। इसको डालने का एक रीजन ये भी था कि ये एक टाइप से मेमोरी हो जाती है, इन फ्यूचर शिवांश जब बड़ा होगा तो अपने दिखेगा किस तरीके से उसका मुंडन हुआ था। तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचती हूँ, लगभग 3 बजने वाली, पीछे आप देख सकते हो 3 बजने वाली है। और अब हम थोड़ा साड़ी वाड़ी उतारते हैं, मतलब चेंज करेंगे, अपने कपड़े पहनेंगे जो नॉर्मल कपड़े होते घर के, फिर हम थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको यहाँ पे शिवांश से मिलाऊंगी। हेलो गाइस, शिवांश आपका मुंडन हो गया? आपके बाल कहाँ गए? हेलो गाइस बोलो। बाल गए। इसके बाल गए कहाँ गए? चूहे के पास गए। चूहे के पास दादा। Yeah.